हमारे साथ महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी जुड़े हैं। सर, इलेक्शन कैंपेनिंग जोरों शोरों से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े टॉप गन्स यहाँ पर आए हैं, आप भी यहाँ पर आए, तो क्या कहेंगे सर यहाँ की बीआरएस सरकार जो महाराष्ट्र में भी जो है अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, अब उनका पैर तेलंगाना से उखड़ने वाला है तो महाराष्ट्र में आने का तो कोई सवाल नहीं है। वे पहले टीआरएस थे, फिर बीआरएस हुए, मेरा मानना है वो एफआरएस है, फैमिली राज समिति, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, जब यहाँ पर प्रियंका गांधी मैडम आई थी सभा में तो नाटू नाटू कर रहे हैं बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम, ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये नाटू नाटू वाले चीज को क्या कहेंगे प्रियंका? देखिए, प्रियंका जी और राहुल जी जो स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है उसके ऊपर भाषण करते हैं, भाषण करते समय एमएसपी का अर्थ भी उनको मालूम नहीं है। जब भाषण में एमएसपी शब्द छपड़ता नहीं है तो पूछते हैं कि एमएसपी का मतलब क्या है, तो मैं इनको सीरियस लेता नहीं हूँ। हाँ, ये बात पक्की है, ये सारे के सारे लोग किसके खिलाफ बोलते हैं? एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। ये सारे अंदर से एक है, सब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके मोदी जी को हटाया जाए ताकि उनकी भ्रष्टाचार की दुकान चलती रहे। लेकिन अब तेलंगाना की जनता ने भी मोदी जी का साथ देना तय कर लिया है। सर, यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं केसीआर पर कि करप्शन के चार्ज लगा रही है बीजेपी, जितने भी नेता आ रहे हैं चाहे वो अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, सब यही कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार है, लेकिन उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी और बीआरएस दोनों अंदर से मिले हुए हैं। देखिए, एक्शन लेना ये एजेंसीज का काम होता है, वो पार्टी का काम नहीं होता, वो सरकार का काम नहीं होता। और जहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत होगी, एजेंसी सक्षम है, एजेंसी एक्शन लेगी, लेकिन उसके लिए सरकार या केंद्र की सरकार इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। सर, यहाँ पर आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आए हैं, यहाँ पर एआईएमआईएम का गढ़ भी माना जाता है, तो बीआरएस और एआईएमआईएम दोनों एक साथ इस चुनाव में चल रहे हैं, अनऑफिशियल अलायंस कह सकते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एमआईएम हो, बीआरएस हो या कांग्रेस हो, एमआईएम और बीआरएस तो खुले रूप से एक दूसरे के साथ है और ये दोनों मिलकर छुपे रूप से कांग्रेस के साथ है।